आज वर्ल्ड वुमेंस डे है। मैं महमूद अली खान आपके साथ हूँ, सोशल रिफॉर्मर। मेरे दोस्तों, आलमी सतह पे यौम मस्तूरात वर्ल्ड वुमेंस डे बड़ी शान के साथ मनाया जा रहा है। इंसान के वजूद में, इंसान की तरक्की में, इंसान की भलाई में, इंसान की आबादी में औरतों का बहुत बड़ा हाथ है, मस्तूरात का बहुत बड़ा हाथ है। 1230 में भारत की सरजमीन में हजरत शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह ताला अलैह की दोहतर नेक अख्तर रज़िया सुल्ताना भारत में पहली लेडी रूलर की हैसियत से हुकूमत चलाती हैं। बड़ी खुशी की बात है, सदियों पहले रज़िया सुल्ताना साहिबा भारत के लिए एक सुल्तान बन चुकी हैं। तो इसी तरह से अगर हम भारत में देखते हैं तो इंतखाबात के आने के बाद, जमहूरियत के पैदा होने के बाद इंदिरा गांधी साहिबा वज़ीर आज़म की हैसियत से भारत की खिदमत कर चुके हैं। नेहरू ख़ानदान में जिनका बेबाक मुकाम है, मैं तो कहता हूँ नेहरू से ज़्यादा हिम्मत और प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत, दानिशमंदी और हिम्मत इंदिरा गांधी के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इसी तरह से अगर हम भारत में देखते हैं तो हम सियासी मैदान में क्यों ना हो, अदबी मैदान में क्यों ना हो, सामाजिक मैदान में क्यों ना हो, मोहतरमा सरोजिनी नायडू साहबा को भारत की कोयल कहते हैं। इसी तरह से फ़न की दुनिया में, फ़नकारी की दुनिया में, आवाज़ की दुनिया की एक बेहतरीन रानी, बेहतरीन मलिका, सुरों की मलिका मोहतरमा लता मंगेशकर साहिबा हैं, जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला है। और हम देखते हैं कि आज आंध्र प्रदेश में हमारे राष्ट्र मुख्यमंत्री वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी साहब एक लेडी एमएलए को हमारे स्टेट में होम मिनिस्टर का मुकाम देते हैं, होम मिनिस्टर का ओहदा देते हैं, इज्जत से बख्शते हैं। तो बहरहाल IPS क्यों ना हो, IAS क्यों ना हो, फीमेल बॉडीज बड़े अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि देश की बात क्यों ना हो, समाज की बात क्यों ना हो, ख़ानदान की बात क्यों ना हो, जितनी भी फीमेल बॉडीज़ हैं इंसाफ कर रही हैं, इंसाफ करेंगे। इसीलिए एक जगह लता मंगेशकर ने कहा, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। हौसला ना छोड़ कर सामना जहान का, वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। जय भारत।